कर रही हो तुम? खाना पका रही हूँ। चलो छोड़ दो इसको, हम बाहर चलकर खाते हैं। नहीं, घर गृहस्थी अच्छी लगती है मुझे। तुम थक जाओगी। कभी नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस घर की मलका हूँ। वो तो है। ओह, तुमने मुझे भुला दिया, नमक डाला या नहीं? मैंने ध्यान बटा दिया ना तुम्हारा। हाँ डाल दिया। कौन है? दोस्त है। मेल्टम का फोन है? नहीं, मेरे शहर से सरदार। हाँ, तुमने बताया तो था, मगर तुम उसका फोन क्यों नहीं उठाते? अभी बात नहीं करना चाहता। लड़ाई हो गई है तुम्हारी? नहीं, वो चिपक ही जाता है। अच्छी बात नहीं है, उठा लो। ठीक है। हेलो। तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे, फोन उठा दिया। कैसे हो तुम? यार मैं इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, ये मेरी आखिरी कॉल थी, अगर तुम नहीं उठाते तो। जब तुम्हारी कॉल आती थी तो मैं मसरूफ होता था, बाद में भूल जाता था, माफ करना यार। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? मैं बस ये बताना चाह रहा था कि मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, बस तुम तैयार रहना, तुमने मुझे पूरा इस्तांबुल घुमाना है, समझे? बिल्कुल, जब दिल चाहे आ जाओ। मैं इस्तांबुल आ चुका हूँ। खुशामदीद। बस तो फिर आज शाम को मिलते हैं, खूब जश्न मनाएंगे। मैं हाजिर हूँ, मगर तुम यहाँ मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? तो तुम घर पे जश्न मनाना चाहते हो? मेरी गर्लफ्रेंड घर पर खाना पका रही है, हम एक साथ खा सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना पता टेक्स्ट कर देता हूँ, कॉल कर लो अगर कोई मुश्किल होती है तो। ठीक है, तो कब तक आ जाऊँ? 7-8 बजे शाम तक। ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं। हम इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे। हाँ, तुमने कहा था ना कि हमें घर घर खेलना बहुत पसंद है, तो ये लो, हमारे पास मेहमान भी आ गए हैं। हमारे पहले मेहमान? हाँ, हमारे पहले। चाय अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मैं वही कर रही हूँ मैम। उनको साथ खाने के लिए भी कुछ दे देना, उन्होंने दवाई खानी है। मैं देखती हूँ। मरहबा बेटे। हम बेवकूफों की तरह मरे जा रहे हैं काम कर करके, और जनाब यहाँ आराम कर रहे हैं। उठो, बात करनी है तुमसे। मुझे अकेला छोड़ दो। हमारा घर ग्राहकों से भरा है। अच्छा, क्या मसला है तुम्हारा? तुम इसलिए नाराज हो कि कुछ दिनों में हम तुम्हारे घर में रहने लगेंगे? मुझे अकेला छोड़ दो। एक बात बताऊं, तुम एक बदमिजाज आदमी बन गए और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं गुस्से की आग में जल रहा हूँ, जैसे तुम नहीं समझोगे। मैंने तो सुना है पागलों को पानी से डर लगता है। ठीक है, मजाक उड़ा ले मेरा। मेल्टम की वजह से मैं पागल हो जाऊंगा या कुछ कर बैठूंगा, याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इसी बारे में तो मैंने तुमसे बात करनी थी, जरा बैठ जाओ। सलीम, मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सबका बदला पूरा हो जाएगा, और देखना, दोनों बाप बेटी जहन्नुम में जाएंगे। निमान चाय पीते हैं। फुराल नहीं है इनके साथ। ये साथ होना चाहिए था। इतनी
इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था उसे। देखा जिंदगी तो गुजर रही है, चाहे मेरा बेटा मौजूद हो या नहीं। लोग एक साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं सांस ले रही हूं, सोती हूं, खाती पीती हूं, जी रही हूं। मैं सोचती थी नहीं जी पाऊंगी, मगर जिंदा हूं अपने बेटे के बगैर। उसकी आवाज नहीं सुन सकती, उसकी खुशबू नहीं सूख सकती, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं, जिंदा लाश की तरह। चलो चलो बैठ जाओ। मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकती? ऐसे नहीं कहते, सबर करो। इतनी डरपोक क्यों हो गई? इतनी श्रीमान, तुम इस तरह नहीं रह पाओगी। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मदद की जरूरत है। रहना ही कौन चाहता है? 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहना काफी नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। ऐसा करो कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस तरह से तुम अपने आप को जहनी तौर पे मसरूफ कर लोगी। क्या मेरे जाने से उराल वापस आ जाएगा? कहीं भी चली जाओ, मैं ये दर्द मेरे साथ ही रहेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक उस कातिल को सजा नहीं हो जाती। हम तुम्हें मुकदमे की तारीख बता देंगे, फिर तुम वापस आ जाना। आ जाओ, हौसला रखो, आ जाओ। देखो चाय भी ठंडी हो रही है। मुझे नहीं चाहिए। लीमान प्लीज ऐसे मत करो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताना बंद करें आप। पीछा छोड़ दे मेरा। नींद आ रही है मुझे। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें अकेले वो कश्ती क्यों ले जाने दी।